ही पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के। ये पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के। हमें पाले तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरी चरण शीश झुकाते हम। जीवन अपना आपसे पाया है हमने हे प्रभु, आप पर कुर्बान करे दिल की है अब ये आरजू। जीवन अपना आपसे पाया है हमने हे प्रभु, आप पर कुर्बान करे दिल की है अब ये आरजू। तू हमें पाले तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरी चरण शीश झुकाते हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सबों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हम सबों से बेहद प्यार करने वाले पिता परमेश्वर का प्रेम और उसे प्रेम में बने रहने के लिए हम सबों की सहायता करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता और सहचर्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, सामान्य काल का 18वां इतवार की पूजन पद्धति को मनाने के लिए हम सभी प्रभु के द्वार में एकत्रित हुए हैं। आज के सुसमाचार के द्वारा मुख्य रूप से प्रभु हम सबों के सामने एक सवाल करता है, तुम मेरी अगर खोज करते हो तो किस उद्देश्य से, किस लक्ष्य से और किस मकसद से मेरी खोज करते हो। यानी कि प्रभु हमें एक सवाल, हमारे सामने सवाल रखता है सोचने के लिए, विचार करने के लिए। अगर मैं प्रभु का अनुसरण करता हूँ, अगर आप प्रभु का अनुसरण करते हैं तो किस उद्देश्य से, किस लक्ष्य से, किस मकसद से आप प्रभु का अनुसरण करते हैं या करना चाहते हैं, प्रभु सवाल करता है। क्योंकि अगर हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, हमारा उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, हमारी सोच स्पष्ट नहीं है, तो हो सकता है हम स्वार्थ से प्रभु का अनुसरण करते हों। इसलिए प्रभु चाहता है, प्रभु जो जीवन की रोटी है, आध्यात्मिक भोजन है जीवन की रोटी, और उस प्रभु से जुड़ने के लिए आध्यात्मिक रूप से हमें तैयार होने की ज़रूरत है। आध्यात्मिकता से प्रभु के साथ जुड़ने का उद्देश्य अगर है, तब हमारा अनुसरण, प्रभु का अनुसरण सही होगा, सही सिद्ध होगा, सार्थक होगा।
अन्यथा प्रभु हमें इन बातों पर विचार करने के लिए और हमारा लक्ष्य अगर क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट करते हुए प्रभु का अनुसरण करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है, निमंत्रण देता है। प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु ने हमें बुलाया है, इसलिए हमारा ध्यान प्रभु पर केंद्रित करें, प्रभु के वचनों पर केंद्रित करें, बड़े विश्वास के साथ, श्रद्धा भक्ति और आस्था के साथ प्रभु का अनुसरण करें, जिससे कि हमें प्रभु यीशु का जीवन मिले। आइए हम इसमें सब बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हमारे गुनाह, गलती, पाप, अपराधों को क्षमा याचना करते हुए इस बलिदान को चढ़ाएं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। स्वर्ग धरा के परमेश्वर तेरी
महिमा नित्य निरंतर गाते तेरी सृष्टि अपार, गाते तेरी सृष्टि अपार। भूतल अंबर सकल चराचर निश दिन यश तेरा गाते हैं, भूतल अंबर सकल चराचर निश दिन यश तेरा गाते हैं। तू स्वामी प्रभु भूमंडल का आशीष हम सब पाते हैं, आशीष हम सब पाते हैं। स्वर्ग धरा के परमेश्वर तेरी महिमा नित्य निरंतर, गाते तेरी सृष्टि अपार, गाते तेरी सृष्टि अपार। परम पिता की पुत्र मनोहर दिया धरा पर मनुज अवतार, परम पिता के पुत्र मनोहर दिया धरा पर मनुज अवतार। जीत लिए सब पाप हमारे उसने किया है जगत उदार, उसने किया है जगत उदार। स्वर्ग धरा के परमेश्वर तेरी महिमा नित्य निरंतर, गाते तेरी सृष्टि अपार, गाते तेरी सृष्टि अपार। विराजता है परम पिता की दाई ओर, तो महिमा में विराजता है परम पिता की दाई ओर। तू सर्वोच्च तेरी ही जय हो, पिता और पवित्र आत्मा के साथ, पिता और पवित्र आत्मा के साथ। स्वर्ग धरा के परमेश्वर तेरी महिमा नित्य निरंतर, गाते तेरी सृष्टि अपार, गाते तेरी सृष्टि अपार। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु हम बड़े गर्व से तुझे अपना सृष्टिकर्ता और पालनकर्ता मानते हैं, अपने सेवक सेविकाओं पर दया दृष्टि डाल। तूने हमें पाक पंग से निकाल कर नया जीवन दिया है, हमारे साथ रह और हमें अपनी सुरक्षा प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं, आमीन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ से लिया गया है। इसराइलियों का पूरा समुदाय मरुभूमि में मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगा। इसराइलियों ने उनसे कहा, हम जिस समय मिस्र देश में मांस की हड्डियों के सामने बैठते थे और इच्छा भर रोटी खाते थे, यदि हम उस समय प्रभु के हाथ मर गए होते तो कितना अच्छा होता। आप हमको इसलिए इस मरुभूमि में ले आए हैं कि हम सब के सब भूखे मर जाएं। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। लोग बाहर निकलकर दिन प्रतिदिन एक एक दिन का भोजन बटोर लिया करेंगे। मैं इस तरह उनकी परीक्षा लूंगा और देखूंगा
कि वे मेरी संहिता का पालन करते हैं या नहीं। मैं इसराइलियों की शिकायतों को सुन चुका हूँ। तुम उनसे यह कहना, शाम को तुम लोग मांस खा सकोगे और सुबह इच्छा भर रोटी। तब तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु तुम लोगों का ईश्वर हूँ। उसी शाम को बटेरों का झुंड उड़ता हुआ आया और छावनी पर बैठ गया, और सुबह छावनी के चारों ओर कोहरा छाया रहा। कोहरा दूर हो जाने पर मरुभूमि की जमीन पर पाले की तरह एक पतली दानेदार तह दिखाई पड़ी। इसराइली यह देखकर आपस में कहने लगे, मानु अर्थात यह क्या है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि यह क्या था। मूसा ने उनसे कहा, यह वही रोटी है जो प्रभु तुम लोगों के लिए देता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। निगाह मुझ पे तेरी सदा, तो है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा, तो है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा, तो है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे तो लिए चला, जहाँ जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे तो लिए चला, तो है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा, तो है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। झरना मीठा वहाँ मुझे तू लिए चला, तो है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा, तो है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। दूसरा पाठ, इफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। मैं आप लोगों से यह कहता हूँ और प्रभु के नाम पर यह अनुरोध करता हूँ कि आप अब से गैर यहूदियों जैसा आचरण नहीं करें, जो बेकार की बातों की चिंता किया करते हैं। आप लोगों को मसीह से ऐसी शिक्षा नहीं मिली है। यदि आप लोगों ने उनके विषय में सुना है और उस सच्चाई के अनुसार शिक्षा ग्रहण की है जो यीशु में प्रकट हुई, तो आप लोगों को अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव देना चाहिए, क्योंकि वह बहकाने वाली दुर्वासनाओं के कारण बिगड़ता जा रहा है। आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक
विचारधारा अपनाएं और एक नवीन स्वभाव धारण करें जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्चाई पवित्रता में व्यक्त होता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 अब्बा पिता हालेलुया अब्बा पिता हालेलुया अब्बा पिता हालेलुया अब्बा पिता हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जब लोगों ने देखा कि वह ना तो यीशु है और ना उनके शिष्य है तो वे नावों पर चढ़कर यीशु की खोज में कफरनहूम चले गए। उन्होंने समुद्र पार किया और यीशु को वहां पाकर उनसे कहा, गुरुवर आप यहां कब आए? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कह देता हूं कि तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। लोगों ने उनसे कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें? क्या आप क्या कर सकते हैं? हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसा कि लिखा है, उसने खाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, मूसा ने तुम्हें जो दिया था वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी, मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग से स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। लोगों ने यीशु से कहा, प्रभु आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रभु का वचन पर मनन चिंतन करें। प्रभु का वचन हम लोगों ने सुना है और इस वचन के अनुरूप मुख्य रूप से आज के पहला पाठ और आज के सुसमाचार में लगभग एक ही प्रसंग हमारे सामने रखा है। लोग ईश्वर की खोज करते थे, लोग ईश्वर को ढूंढते थे, लोग ईश्वर के ताक में रहते थे और उसके पीछे मकसद क्या था? लोगों ने प्रभु के हाथों से
चमत्कारिक रूप से किया हुआ, उन रोटियों को खाया था, उस मछली को खाया था, उनकी शारीरिक भूख उनकी मिटाई थी, और इस प्रकार से भौतिक सुख को खोजते हुए, भौतिक सुख के कारण लोग प्रभु की खोज करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यीशु तुरंत उन लोगों को समझाते हैं, देखो भौतिक सुख के लिए प्रभु की खोज करना अच्छी बात नहीं। प्रभु की खोज करना हो तो आध्यात्मिक सुख के लिए, आध्यात्मिक जीवन के उत्थान के लिए, आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए खोज करने की जरूरत है। क्योंकि प्रभु यीशु हमें बताता है, जो तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था वो जीवन की रोटी नहीं थी, वो पेट के लिए भूख की रोटी थी, शारीरिक रोटी थी। प्रभु कहता है, अगर तुम सचमुच में मेरी खोज करते हो तो तुम्हें जीवन की रोटी मिलेगी। और जीवन की रोटी कौन है? प्रभु इस बात को स्पष्ट करता है, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, प्रभु कहता है। यानी कि यीशु हम सबों के लिए आध्यात्मिक जीवन की रोटी है, और आध्यात्मिक जीवन में बने रहने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में जीवित रहने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में तरक्की करने के लिए हमें यीशु रूपी जीवंत रोटी की खोज करने की जरूरत है, उस रोटी को ग्रहण करने की जरूरत है, और उस रोटी को ग्रहण करते हुए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यही बात प्रभु हमें आज के सुसमाचार के द्वारा हमें सिखाता है कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूँ, जो इसे खाएगा उसे कभी भूख नहीं लगेगी, जो मेरी खोज करता है, मुझ में विश्वास करता है, उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। यानी कि वो हमें संतुष्टि प्रदान कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह बताता है, प्रभु ही जो आध्यात्मिक रोटी है हमें संतुष्टि प्रदान करेगा, हमें सेटिस्फैक्शन देगा। इसके अतिरिक्त भौतिक रोटी, हमें भौतिक रोटी की खोज करेंगे, भौतिक सुख का खोज करेंगे, वो हमें संतुष्ट नहीं कर सकता, वो हमें सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता। क्योंकि आज हमने रोटी खाई तो कल फिर भूख लगेगी, कल के लिए फिर रोटी चाहिए, परसों के लिए फिर चाहिए, उसी प्रकार से बना रहेगा। लेकिन आध्यात्मिक रोटी जो हमारे जीवन में विकसित होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, आध्यात्मिक जीवन बढ़ता जाएगा, उन आध्यात्मिक रोटी को प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे, प्रभु सदा ही हमारे जीवन में रहेगा और हमारा मार्गदर्शन करेगा, संचालन करेगा, हमें सुख देगा, शांति देगा, आज़ादी देगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा, इस प्रकार से बहुतायत का जीवन से हमें भर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए संत पौलुस एफेसियों को लिखे हुए पत्र के द्वारा हमें बताता है कि आप लोग अब से गैर यहूदियों जैसा आचरण नहीं करें, गैर यहूदियों जैसा आचरण नहीं करें। यानी कि गैर यहूदी भौतिक सुख की खोज करते थे, भौतिक सुख के वजह से प्रार्थना करते थे। इसलिए प्रभु का वचन में बताता आज के दूसरे पार्ट में, आप लोग गैर यहूदियों जैसा आचरण नहीं करें जो बेकार की बातों की चिंता करते हैं। गैर यहूदी बेकार की बातों की चिंता करते थे। इसलिए प्रभु का वचन क्या बताता है, आप लोगों को मसीह से ऐसी शिक्षा नहीं मिली है। यदि आप लोगों ने उनके विषय में सुना है और उस सच्चाई के अनुसार शिक्षा ग्रहण की है तो यीशु में प्रकट हुई, तो आप लोगों को अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए। यानी कि हमें प्रभु की शिक्षा सचमुच मिली है और सचमुच हमने प्रभु की शिक्षा को ग्रहण किया है, यीशु को ग्रहण किया है, तो संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए बताता है कि हमें हमारा पहला आचरण त्याग देना चाहिए, पहला स्वभाव त्याग देना चाहिए, यीशु का स्वभाव, यीशु का मनोभाव हमें धारण करने की जरूरत है। यीशु का स्वभाव, यीशु का मनोभाव हमें धारण करने की जरूरत है। इसलिए संत पौलुस हमें बताता है कि कुछ किसी भी प्रकार से बहकाने वाले दुर्वासनाओं के कारण
हम दुर्वासना में ना फंसें, बल्कि आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं, पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं और एक नवीन स्वभाव धारण करें जिनकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है। यानी कि आध्यात्मिक विचारधारा, आध्यात्मिक स्वभाव धारण करने के लिए हमें बताया जाता जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त होता है। धार्मिकता और सच्ची पवित्रता, इसलिए प्रभु यीशु मसीह बताता है सच्चा जीवन बिताने के लिए सच्ची पवित्रता धार्मिकता स्वभाव धारण करने की जरूरत है और सच्चा आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए सच्ची रोटी जीवन की रोटी प्रभु यीशु को धारण करने की जरूरत है, प्रभु यीशु का वचन को ग्रहण करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग प्रभु की खोज करते हैं अलग अलग मकसद से, अलग अलग उद्देश्य से, अलग अलग सोच रखते हुए कि प्रभु का अनुसरण करने से या चर्च जाने से, चर्च के साथ जुड़े रहने से ये सुविधा मिलेगी, ऐसा एक फायदा मिलेगा, इन सभी बातों को सोचते हुए लोग करते हैं। इसलिए प्रभु हमसे आज के दिन में पूछता है तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, स्पष्ट कर लो। अगर तुम्हारा लक्ष्य साफ नहीं है, उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो हम अनुसरण नहीं कर सकते हैं प्रभु यीशु को। बहुत सारे लोग प्रभु के पास इसलिए भी आते हैं क्योंकि उनके जीवन में तकलीफ है, उनके जीवन में परेशानी है, उनके जीवन में बीमारी है, चंगाई प्राप्त करें, परेशानी दूर हो जाए, नौकरी नहीं है, नौकरी मिल जाए और कोई काम रुका है, रुका हुआ काम आगे बढ़ जाए, ये सब उद्देश्य आते हैं। लोग प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में खोजने के लिए नहीं आते हैं, क्षणभंगुर चीज़ों की खोज करते हुए आते हैं। बीमारी है, बीमारी दूर हो जाए, बीमारी दूर हो गई उसके बाद लोग लौट के नहीं आते हैं। नौकरी नहीं थी, प्रभु के पास आए, नौकरी के लिए प्रार्थना की, नौकरी मिली, उसके बाद वो लौट के नहीं आते हैं। उनके जीवन में, उनके परिवार में कोई कष्ट था, कोई परेशानी मुसीबत थी और प्रभु ने उसको दूर कर दी, उसके बाद चर्च आना बंद हो गया। यानी कि लक्ष्य साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है। प्रभु इसलिए आज के दिन में बताता है जब प्रभु के पास आते हो, मुझे और आपको प्रभु यही कहता है हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य साफ हो। अगर चंगाईदाता मिल जाएगा, चंगाईदाता की खोज करते हुए हम आएंगे, चंगाई मिल जाएगी। केवल चंगाई की खोज होगी, चंगाईदाता नहीं मिलेगा। चंगाई मिलेगी, एक बीमारी से चंगाई मिलेगी, दूसरी बीमारी आएगी, दूसरी बीमारी से चंगाई मिलेगी, तीसरी बीमारी आएगी, एक परेशानी दूर हो जाएगी, दूसरी परेशानी आएगी, दूसरी परेशानी दूर हो जाएगी, तीसरी आएगी। अगर हमें चंगाई दाता मिलेगा, चंगाई मिलती रहेगी। अगर हमारा समस्या का समाधान देने वाला प्रभु मिलेगा, समस्या से समाधान मिलता ही रहेगा। इसलिए प्रभु कहता है बेकार की बातों की खोज मत करो, जो तुम्हारे साथ सदा ही बना रहता है। प्रभु यीशु मसीह सदा हमारे साथ बना रहता है। प्रभु ने वादा कर रखा, मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया के अंतिम क्षणों तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस बात को जाने पहचाने और इस प्रभु को ग्रहण करें, प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करें। प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। जब प्रभु मिल जाए सब कुछ मिल जाएगा, प्रभु नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, हमारा जीवन अधूरा ही रहेगा, खोखला ही रहेगा, खाली रहेगा। इसलिए प्रभु हमें आज के सुसमाचार के द्वारा, आज के वचनों के द्वारा बताता है प्रभु को हम ग्रहण करें, प्रभु को ग्रहण करें, जीवन की रोटी प्रभु को ग्रहण करें, जो हमारी भूख मिटाता है, हमारे प्यास बुझाता है उसको ग्रहण करें, जो हमारे जीवन में संजीवन जल बनकर हमारे साथ रहता है उस प्रभु को हम ग्रहण करें, उसकी शिक्षा को ग्रहण करें। अगर ऐसा करेंगे हमारे जीवन में किसी बात की कमी नहीं होगी, वो प्रभु निरंतर हमारे लिए प्रबंध करेगा, इंतजाम करता रहेगा। आमीन। हम सभी खड़े हो जाए, हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्राइस्ट में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, बादलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवित और मृतकों का न्याय करने आएगा। वह पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन।
आइए हम सभी हमारे निवेदनों को जरूरतों को प्रभु के सम्मुख रखें। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया के नेताओं एवं मार्गदर्शकों के रूप में वे सभी क्रिस्तीय विश्वासियों को प्रेम, एकता और शांति के सूत्र में बांध सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। लोग केवल शारीरिक व नश्वर भोजन की चिंता करते हैं और उसके लिए परिश्रम करते हैं। वे आत्मिक व नश्वर भोजन की भी चिंता करें और उसके लिए परिश्रम कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र यूक्रिस्ट हमारा आत्मिक भोजन है, जिसे हम हर यूक्रिस्तीय समारोह में ग्रहण करते हैं। हम इसे पूर्ण तैयारी के साथ और योग्य रीति से ग्रहण कर सके, ताकि यह अनंत जीवन तक बना रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अनेक प्रकार से बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे यीशु में पूर्ण विश्वास या आस्था रखें, ताकि उन्हें सांत्वना तथा रोगों से चंगाई प्राप्त हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र बलि समारोह में उपस्थित अपने सब भी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम न केवल शारीरिक बल्कि आत्मिक भोजन के लिए भी परिश्रम करें, जो अनंत जीवन तक बना रहेगा। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के लिए। आज के संदेश के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगते हैं। आपका वचन हमें बताता है हम ना केवल शारीरिक भोजन के लिए परिश्रम करें बल्कि आध्यात्मिक भोजन के लिए परिश्रम करते रहें। प्रभु, हमारा आध्यात्मिक जीवन शाश्वत है, हमारा आध्यात्मिक जीवन अमर है, अजर है। इसलिए इस जीवन के लिए बड़ी गंभीरता के साथ परिश्रम करने की कृपा शक्ति सामर्थ्य हमें प्रदान कीजिए। शरीर हमारा क्षण भंगुर है, इसलिए प्रभु इन सभी बातों को हम समझते हुए आपके वचन के अनुसार हम सभी आध्यात्मिक जीवन के लिए मेहनत करें, परिश्रम करें, निरंतर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के ताक हम सभी रख सकें। हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से जितने भी लोगों ने प्रार्थना मांगी, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सुख और शांति और स्वस्थ प्रदान कर। और विशेष रूप से प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हम सभी लोगों के लिए जितने भी लोग YouTube चैनल के माध्यम से इसमें संविधान में भाग ले रहे हैं, उन सबों को प्रभु अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की विशेष कृपा और अनुग्रह प्रदान कर। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ले प्रभु, जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। ले ले प्रभु, जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। ले ले प्रभु, जीवन पावन तन जो तेरा बनता लाए वो रोटी, तेरे स्पर्श से स्वामी बन जाए ये जीवन रोटी। पावन तन जो तेरा बनता लाए वो रोटी, तेरे स्पर्श से स्वामी बन जाए ये जीवन रोटी। ले ले प्रभु, जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को
अर्पित कर तुझे प्रणाम, ले ले प्रभु जीवन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर और हमें आत्मिक बलि के रूप में स्वीकार करके अपना अनंत उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतक में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिली है कि हम पास्का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम, पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। ईश्वर को बलिहारी,
पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। हे प्रभु तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। जब ये रोटी खाते हैं हम, यह कटोरा पीते हैं हम, जब ये रोटी खाते हैं हम, यह कटोरा पीते हैं हम, तेरे आने तक हे प्रभु तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, तेरे आने तक हे प्रभु तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुदीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुदीले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन।
हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति का अभिवादन करें। जी हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं, धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु तूने हमें स्वर्गीय उपहारों से बल प्रदान किया है, हमें दया पूर्वक अपनी शरण में ले ले। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है, हमें अनंत मुक्ति के योग्य बना दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। आप लोग विदारे मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।
क्षमा किया, दुर्बलताओं को दूर किया, शांति देकर आत्मा को अनुकंपा से संभाल लिया, शांति देकर आत्मा को अनुकंपा से संभाल लिया। उसने हमारे जीवन में प्रेम दिखाया है, आओ सब जन मिलकर गाएं, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद।